क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को मृदा के बारे में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि विश्व की अनेक सभ्यताओं का विकास उपजाऊ मैदान पर ही हुआ है। उपजाऊ मैदान मतलब कि उपजाऊ मिट्टी से निर्मित। तो ये मिट्टी यानी मृदा क्या है? मृदा संसाधन से हम क्या समझते हैं? इसके कितने प्रकार हैं? तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों कि आप लोग जानते हैं कि मृदा का जो मुख्य गुणधर्म होता है वो वनस्पतियों को पोषण प्रदान करना होता है। वनस्पतियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीव भी इसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो मृदा क्या है? मृदा भूपरपति की एक गत्यात्मक परत है। गत्यात्मक परत मतलब होता है कि गतिशील, यानी ये उड़कर या बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती रहती हूँ, इसलिए हम इसे गत्यात्मक परत बोलते हैं। गत्यात्मक परत है जो शैल चूर्ण यानी चट्टानों के चूर्ण, उनका अपक्षय अपरदन होता है तो चूर्ण प्राप्त होते हैं। चट्टानों का जब अपक्षय होता है, उनका अपरदन होता है, तो महीन कण प्राप्त होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? शैल चूर्ण का। ह्यूमस, ह्यूमस मतलब होता है कि सड़े गले वनस्पतियाँ, जीव जंतु, इनको सामूहिक रूप से हम ह्यूमस कहते हैं। और जलवायु व गैस यानी मृदा क्या है? मृदा भूपरपति की गत्यात्मक परत है जो शैल चूर्ण, ह्यूमस और जलवायु व गैसों के मिश्रण से निर्मित है। तो मृदा, आप लोग समझ गए होंगे कि मृदा से हम क्या समझते हैं। एक बार मैं फिर रिविजन कर दे रहा हूँ कि मृदा क्या है। मृदा भूपरपटी के ऊपरी गत्यात्मक परत है। गत्यात्मक परत है जो शैल चूर्ण, ह्यूमस, जल, वायु तथा गैसों के मिश्रण से निर्मित है। बच्चों, अभी आप लोगों ने मृदा के बारे में समझ लिया कि मृदा क्या है, मृदा से हम क्या समझते हैं। तो मृदा क्या है? मृदा भूपरपटी की गत्यात्मक परत है जो शैल चूर्ण, ह्यूमस, जल, वायु तथा गैसों के मिश्रण से निर्मित है। मृदा एक प्राकृतिक नवीकरण योग्य संसाधन। और हम जानते हैं कि मृदा यानी उपजाऊ मैदान में विश्व की अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सभ्यताओं का विकास उपजाऊ मिट्टी यानी इन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव जो मिट्टी निर्मित है उसी मिट्टी पर इन सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो ये तो मृदा हो गया। मृदा से हम क्या समझते हैं? मृदा का एक समान अर्थ हो गया। अब हम मृदा के प्रकार यानी मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण मतलब कि हम जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु, विभिन्न प्रकार के उच्चावच, विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इन सभी का प्रभाव मृदा के निर्माण पर होता है। यानी जिस क्षेत्र की जैसी जलवायु होगी या जिस क्षेत्र का जैसे उच्चावच होगा उसी के अनुरूप वहाँ की मिट्टी होती है।
जलवायु उच्चावच आदि विभिन्नताओं के आधार पर भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लैटराइट मृदा आदि प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को जलोढ़ मृदा के बारे में बताने जा रहे हैं। जलोढ़ मृदा क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। इससे देश की अधिकांश जनसंख्या का भरण पोषण हो रहा है। उत्तरी भारत में अधिकांशतः ये मिट्टी पाई जाती है, इसके साथ साथ अन्य भागों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि जलोढ़ मृदा क्या है, जलोढ़ मृदा से हम समझते क्या। तो जलोढ़ मृदा क्या है कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से जो मिट्टी यानी जो मृदा निर्मित होती है उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। हमारे उत्तरी भारत में जो उत्तरी मैदान मुख्यतः जलोढ़ मृदा से निर्मित है, और ये मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से निर्मित। तो जलोढ़ मृदा क्या है कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से निर्मित होने वाली मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी भारत में इसका विस्तार कहाँ तक है? इसका विस्तार ये उत्तर पश्चिम में पंजाब, हरियाणा, फिर पश्चिम में राजस्थान, गुजरात की एक संकरी पट्टी के रूप में, पश्चिम में गुजरात तक एक संकरी पट्टी में यह मिट्टी फैली हुई, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक, उसके अलावा ये तटीय क्षेत्रों में, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी तटीय क्षेत्र मतलब महानदी, गोदावरी, कावेरी आदि डेल्टाई क्षेत्रों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। तो एक बार फिर से अगर पूछा जाए कि चलो मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है, भारत में चलो मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है, तो इसका जवाब होना चाहिए कि उत्तर पश्चिम में पंजाब, हरियाणा, फिर पश्चिम में, या हम इसे उत्तर में भी कर सकते हैं, उत्तर में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम में राजस्थान, गुजरात एक संकरी पट्टी के रूप में, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और उसके अलावा तटीय क्षेत्रों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि जलोढ़ मिट्टी से हम क्या समझते हैं और भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कुल मिला करके लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, यानी पूरा मिला करके लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी देश के कुल क्षेत्रफल के 43%, 43% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। तो ये तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हो गया। अब जलोढ़ मिट्टी ये हर के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की, एक खादर मिट्टी और एक बांदर मिट्टी। खादर मिट्टी क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे हम बांजर मिट्टी कहते हैं। यह खादर मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। ये तो जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हो गए। उसके अलावा जलोढ़ मिट्टी की कुछ विशेषताएं मतलब कि यह मिट्टी सभी प्रकार की मिट्टियों से सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती होती है, गेहूँ, चना, सरसों, मटर और इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है।
लेकिन सूखा वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी क्षारीय होती है, जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि जलोढ़ मृदा से हम क्या समझते हैं। भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर में पंजाब हरियाणा, पश्चिम में राजस्थान गुजरात, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला। फिर उसके बाद इसके प्रकार यह दो प्रकार के होते हैं, खादर और मादर। फिर इसकी कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताएं मतलब ये सभी प्रकार के मिट्टियों में सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है और इसमें पोटास और फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। और सूखा वाले क्षेत्रों में यह मृदा क्षारीय रूप में भी पाई जाती है। बच्चों बस आज इतना।